मैं विकास शर्मा, फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूंगफली की फसल अपने खेत में बुराई करने से पहले क्या सावधानी करनी रखनी चाहिए। तो ये हमारी एम्टेरा मूंगफली है, ये आप देख रहे हो, ये एम्टेरा मूंगफली है और ये एम्टेरा मूंगफली का दाना बहुत ही मोटा है। और ये एम्टेरा मूंगफली है तो एम्टेरा मूंगफली का बीज है ये, तो ये क्या है कि तेल के अंदर बहुत काम आता है। जो मूंगफली का तेल निकलता है तो तेल के लिए बहुत उपयुक्त होता है ये मूंगफली, इस प्रकार की एम्टेरा मूंगफली, इसके अंदर तेल बहुत निकलता है। तो हमने क्या किया कि ये एम्टेरा मूंगफली है, तो एम्टेरा मूंगफली के अंदर हमने लिया है गजराज, ये गजराज कंपनी है, तो गजराज कंपनी का हम ये बीज लगाने जा रहे हैं हमारे खेत के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा बीज लगा मेरे को, तो ये गजराज का मैं बीज लगाने जा रहा हूँ। तो बीज लगाने से पहले आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे किसान भाइयों की ये इसमें टूटी फूटी मूंगफलियाँ दिख रही है आपको सफेद, इनको बिल्कुल चुकना है, बिल्कुल एक एक उठाना है और इनको बाहर निकालना है, सभी को बाहर निकाल कर क्या करना है कि ऐसा एक बड़ा पाल लेना है। तो ये बड़ा पाल ले लिया और ये मूंगफली का ढेर इस पे लगा दिया। तो हम मूंगफली एम्टेरा लगाने जा रहे हैं, एक बीघे के अंदर 18 से 20 किलो बीज डालेंगे। तो 18 से 20 किलो बीज हम लगाएंगे, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हम इसलिए लगा रहे हैं बीज कि कभी कभार मूंगफली जाने की संभावना रहती है, कुछ बीज चले जाते हैं। तो अगर ज़्यादा रहेंगे तो हम इसको जो गुजाई होगी मूंगफली की, तो गुजाई के अंदर इसको काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 18 से 20 किलो बीघा का मूंगफली का बीज गुराई करेंगे अपने खेत में। गुराई करने से पहले हमें इसके अंदर काली जड़ वगैरह जो रोग आता है, जड़गाट का, काली जड़ का, दीमक का, ये हमारे को स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये दीमक की जो दवाई आती है वो बिल्कुल इसमें डालनी पड़ेगी। तो ये बीज देख रहे हो आप, हम एक पाल के अंदर, धूप के अंदर इसको पाल बिछा दिया और इसके ऊपर ये मूंगफली का बीज है, ये मूंगफली का बीज में पाल के ऊपर ढेर लगा दिया। अब ये सिजेंटा का, एक ये सिजेंटा का आता है, ये सिजेंटा का प्रोडक्ट है, ये फोलियो गोल्ड, ये फोलियो गोल्ड नाम की एक दवा आती है, फोलियो गोल्ड। तो ये फोलियो गोल्ड सिजेंटा की दवा है, आप देख लीजिए, ये सिजेंटा की दवा है फोलियो गोल्ड। तो आपको ये 250 ml लेनी है। तो ये 1 क्विंटल 20 किलो बीज है, तो 1 क्विंटल 20 किलो बीज में हम 250 ml दवा इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद में बिल्कुल ही हाथों की सहायता से इसमें मिला देंगे मूंगफली के अंदर, ये आराम से इस दवा के अंदर 1/2 लीटर पानी डालेंगे, 250 ml दवा के अंदर 1/2 लीटर पानी डाल के और इसमें मूंगफली में हाथों की सहायता से मिला देंगे। तो आराम से इसको मिला देंगे हाथों की सहायता से, और मिलाने के बाद के अंदर इसको ऐसे इस बार के हम हाथों में मिला देंगे। तो हमने तो क्या किया है, इसमें पहले मिला दिया है। तो मेरे किसान भाइयों, मिलाने से पहले आप इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो ग्लव्स आते हैं हाथों में, वो ग्लव्स पहन के मिलाएं। और अगर ऐसे मिलाते हो, हाथ से मिलाते हो आप, तो इसको साबुन से अच्छी तरह हाथ से धोएं बिल्कुल, और मुंह के हाथ बिल्कुल भी ना लगाएं। तो इसको हमने लगा दिया था, तो ये हमने ये जो फोलियो गोल्ड है, ये फोलियो गोल्ड दवा है, तो हमने करीब 1/2 लीटर पानी में घोल के इसके अंदर मूंगफली के अंदर लेप लगा दिया था इसका। अब ये बिल्कुल सूख गया है, इसको मूंगफली को करीब हम 1 घंटे सूखने देना है आपको। जब ये दवा लगाने के बाद 1 घंटे बाद में सूख जाए,
तब आप एक और दवा फिर इसमें कैपकेडिस दवा आती है, कैपकेडिस दवा आती है। ये कैपकेडिस दवा ये है सीजन टकी है कैपकेडिस, देख लीजिए आप। ये भी 250 ग्राम की है, सिजेंटा कंपनी है कैपकेडिस। तो ये दवा भी काली जड़ के अंदर बहुत काम आती है। तो हम क्या करेंगे, एक घंटा इसको पहले वाली दवा जब पूर्ण रूप से सूख जाए तो ये कैपकेडिस दवा नाम आती है, कैपकेडिस है ये सिजेंटा की है, ये देख लीजिए कैपकेडिस दवा है। तो ये सिजेंटा की है सर। इस दवा का वापिस आपको ये 250 ml दवा है, 250 ग्राम दवा है। तो 250 ग्राम दवा के अंदर 2 लीटर पानी लेना है, 2 लीटर पानी के अंदर ये 250 ग्राम दवा डालनी है। और 250 ग्राम दवा डालकर वापिस इस मूंगफली के ऊपर छिड़काव लगाकर और आपको मिक्स करना है ऐसे। तो मिक्स करने के बाद में आप जब भी आप उराई करोगे अपने खेत के अंदर तो एक तो आपकी फसल के अंदर दीमक इस बीज को नहीं खाएगी, और जब ये मूंगफली उगना शुरू होगी तो काली जड़ आती है तो काली जड़ का रोग नहीं होगा, किसी भी प्रकार जड़ संबंधी रोग नहीं होगा। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, अगला वीडियो फिर मैं लेकर आऊंगा। आप एम तरह मूंगफली लगाकर बहुत अधिक फायदा आप कमा सकते हो। तो अगला वीडियो फिर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, भारत के अंदर सभी किसानों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप करें, और जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में जो बेल घंटी है आप उसको जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और जो मेरी कृषि संबंधी जानकारियाँ है और मेरे नए नए अनुसंधान है वह आप तक वीडियो के माध्यम से आसानी से पहुंच सके। जय जवान, जय किसान।